एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और महात्मा बुद्ध से कहा कि बुद्ध मुझे जीवन का असली मतलब बता दीजिए, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है ये बता दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुझे ज्ञान तो बाद में बांटूंगा, पहले काम कर। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जा इसको बाजार में इसका मोल लगा के आ, तुझे बेचना नहीं है, बस सबसे इसका मोल पूछना है कि इस पत्थर के बदले क्या दे सकते हो, मोल भाव करना, बेचना नहीं। वो पत्थर लेके गया बाजार में, सबसे पहले एक सब्जी वाला खड़ा था, उससे जाके कहा कि इस पत्थर के बदले क्या देगा। तो उसने पत्थर को पकड़ा, देखा हाँ ठीक है पत्थर है, कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। कहा ज्यादा से ज्यादा 1 किलो इसके बदले सब्जी दे सकता हूं। कहा ठीक है वापस दे दे, बेचना नहीं है, मोल भाव करना है। उसी पत्थर को लेके आगे बढ़ा, एक बर्तन वाले की दुकान में गया, उसने उससे पूछा कि इस पत्थर का क्या देगा। उसने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा तुझे स्टील के 2-4 बर्तन दे दूंगा इसके बदले। उसने काला वापस कर उस पत्थर को लेके आगे चांदी वाले के पास गया। चांदी वाले ने उस पत्थर को देखा तो बोला ये तो बड़ा लगता है, कीमती पत्थर है, इसके बदले मैं तुझे चांदी, कुछ किलो चांदी दे दूंगा। वो उस पत्थर को लेके आगे बढ़ा और एक हीरे के व्यापारी के पास गया। सूरत वाले बैठे हैं यहाँ पे, नजर देख के पहचान ले। हीरे व्यापारी के पास गया और हीरे वाले से कहा कि ये पत्थर का तू क्या देगा। और उसने पत्थर को देखा तो देखते ही रह गया और हाथ जोड़ के कहता है तू कुछ भी ले ले, बस ये पत्थर मुझे दे दे, क्योंकि ये पत्थर नहीं है, ये एक ऐसा हीरा है, इस बेशकीमती हीरा है जो हजारों वर्ष ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं होता, जो चाहिए वो ले ले, बस ये मुझे दे। उसने कहा देने नहीं आया, बस मोल भाव करने आया। पत्थर लेके वो भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को जाके कहा महाराज मेरी बात कुछ समझ नहीं आई, इस पत्थर के मैंने जिससे भी मोल भाव लगाए, जिसको भी दिया, सबने इसका अलग अलग मोल लगाया। सब्जी वाला 1 किलो सब्जी दे रहा था, चांदी वाला चांदी दे रहा था, बर्तन वाला बर्तन, लेकिन हीरे व्यापारी के पास गया तो वो तो देख के पागल ही हो गया। तो महाराज क्या है, मैंने तो आपको कहा था कि मुझे बताइए मनुष्य जीवन क्या उसका लक्ष्य, आपने मुझे किस काम पे लगा दिया। बुद्ध ने कहा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य जीवन भी एक हीरे के जैसा है, बस फर्क इतना है जिस व्यक्ति को जितनी बुद्धि होती है वो इस मनुष्य जीवन की इतनी ही औकात समझता है। जैसे सब्जी वाले ने इस पत्थर को केवल 1 किलो सब्जी में तोल करके छोड़ दिया, दूसरे ने चंद चांदी में, लेकिन हीरा का व्यापारी जानता था कि ये कितना बेशकीमती है। मानव जीवन भी वैसा ही है, जो जान गए वो समझ गए कि भगवान ने ये बेशकीमती, जो जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता ऐसा मानव शरीर हमें दिया है, और जो नहीं जाने तो उनसे आप पूछो तो वो दिन रात बस इसी बात में रोते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख बहुत है। पहचानना है बस अपनी इस दिव्य दृष्टि से, अपने इस मूल्यवान जीवन को जानना ही भागवत का लक्ष्य। पहचान जो गया वो पार हो गया।